फिजिबल। नॉट ठीक नाउ इट इज क्लियर? है। यस सर। साफ यस आ रही है? सर। बीच में कुछ लोगों का कॉल आने लग रहा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही आप लोगों तक। तो मैंने कहा रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि दोनों अगर हम लिखना चाहें तो डेंसिटी की यूनिट लिखेंगे, दोनों क्रॉस हो जाएगा और कोई यूनिट नहीं आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, ठीक, इट इज ओनली ए नंबर। अब इस रिलेटिव डेंसिटी को हम अलग अलग फॉर्म में इसका फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपन मालूम होता है। सब्सटेंस के लिए हमने m1 अपन b किया और वाटर के लिए m2 अपन b किया। m1 और m2 उसके मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और b वॉल्यूम को, वॉल्यूम सेम रहेगा, सेम वॉल्यूम का लेते हैं जब भी लेंगे हम इस तरह से निकालने के लिए। तो यहाँ m1 अपन m2 आ गया, यानी मास ऑफ द सब्सटेंस अपन मास ऑफ द वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी आ गया है, देख रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी आ गया कि अगर न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट का मास दिया है और जो अमाउंट ऑफ वाटर दिया हुआ है उन दोनों का रेशियो निकाल दें तो भी हमको मिल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, तो भी हमको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज डूबेगी कौन सी तैरेगी। अच्छा, जब मास में रिलेशन मिल गया तो जी की वैल्यू तो दोनों पर सेम काम कर रही होगी, स्मॉल जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी वेट के लिए भी रिलेशन निकल जाएगा। हम लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू W1 upon W2, क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना अर्थ पर, या जिस प्लेनेट पर जाएंगे उस प्लेनेट के लिए वो स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर या बहुत अधिक नीचे जाने पर ही वेरिएशन आता है, नहीं तो मामूली वेरिएशन जैसे पोल्स और इक्वेटर से आते हैं उस तरह, नहीं तो नॉर्मली हर जगह स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो यानी रिलेटिव डेंसिटी का एक और फार्मूला मिला हमें, वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ द वाटर, जो भी अमाउंट दे क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर ऑब्जेक्ट का वेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, सही है सर? फॉर्मूला और यहाँ देखिए रिलेटिव डेंसिटी का इसमें डिराइव किया है, यहाँ तक क्लियर है वेट तक? यस सर। सर रिलेटिव डेंसिटी का सर यूनिट नहीं होता पर ऐसा यूनिट होता है ना? नो बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी है, इट इज ओनली ए नंबर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी, देखिए चार्ट भी दिया है शायद एनसीईआरटी बुक में दिया है क्या, रिलेटिव डेंसिटी का चार्ट एनसीईआरटी बुक जो आप लोगों के पास है उसमें एक चार्ट दिया है जिसमें सिल्वर का, कॉपर का, वाटर का सबका दिया हो रिलेटिव डेंसिटी, ऐसा कुछ है? नो सर। चलिए देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सिल्वर की डेंसिटी 10.5 है, ये सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी जैसे ही नाम लेंगे आप तो हम समझ जाएंगे वो कंपेयर किससे कर रहा है, वाटर से। तो इसको अगर हमको बोलना पड़े व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इज 10.5, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम इसको बोलेंगे कि इट मींस सिल्वर इज 10.5 टाइम्स हैवियर देन वाटर ऑफ द इक्वल वॉल्यूम। अगर इक्वल वॉल्यूम का सिल्वर ले, वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो ना, स्थान घेरना, तो मान लो हम yes. किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का सिल्वर लिए और उतने ही वॉल्यूम का वाटर ले लें और दोनों को जब वेट करेंगे तो ये जो सिल्वर है उस वाटर के कंपेयर में 10.5 टाइम्स हैवियर होगा,
रिलेटिव डेंसिटी इसी चीज को बता रहा है, ठीक है। इट इज ओनली ए नंबर एंड यूनिट। हाँ बेटा सर, एंड बुक इट इज गिवन 0.8, इट हैज रोट that for example the density of gold is 19,300 kilogram meter meter power minus meter per second, means while that of water is 1000 kg meter per kg per meter power. इसका क्या numerical? अभी numerical अभी तुरंत करा देंगे, numerical है ना चैप्टर के अंदर, दिया न्यूमेरिकल ही है बट यहाँ पे दिया है ना एसआई यूनिट, ये बता रहे हैं सर। किस चीज के एसआई यूनिट दिया है बेटा? वो डेंसिटी यूनिट दिया है। एक बार फिर से रीड कीजिए, सब लोग ध्यान से सुनिए भाई। चलिए बोलिए। The density of gold is 19,300 kg meter power minus 3, while that of water is 1000 kg meter minus power minus 3. The density of given sample of substance can help us. So, ये book में दिया है। हाँ बेटा, तो वो density दिया है ना, relative density कहाँ दिया है? देखिए, वो लिख रहा है density of gold और density of water. ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। जब भी आप देखेंगे अभी एक चलिए एक न्यूमेरिकल इसी नाम पे कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है बुक में भी, आपके भी बुक में दिया होगा हमको लग रहा। लिखिए, लिखना हो तो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी मीटर क्यूब, ठीक। इफ डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,320 केजी पर मीटर क्यूब, इफ डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,320 kg meter cube, then find the relative density of gold. इसको कैलकुलेट कीजिए जरा आप लोग। नाइन पॉइंट थ्री आएगा, नाइनटीन पॉइंट थ्री टू। हाँ, 19.32 ना? यस सर। चल तो बेटे, अब देखिए क्या किया आपने, जरा सा इनको समझा दें इस चीज को। हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी थी, सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी अरे दिया हुआ है 19,320 केजी पर मीटर क्यूब अपॉन 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट दोनों की क्रॉस हो गई, कोई यूनिट बचा? कोई यूनिट नहीं बचा, वैल्यू आ गई 19.32। यहां कोई यूनिट आएगी? हम लोग जब लिखते थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट यही से ना आती थी मीटर पर सेकेंड, यही से आती थी ना बेटा? यस सर। यस, तो यहां यस सर, जब कुछ बच ही नहीं रहा है तो यूनिट कहां से आएगा? इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी इज ओनली ए नंबर। अब अगर दिया रहता एक क्वेश्चन दे देता, मान लीजिए कि what do you mean by the relative density of gold is 19.32, what is the meaning of it? तब हम लिखते वहाँ आंसर, we should write it that it means that gold is 19.32 times heavier than the same volume of water. मतलब दोनों का सेम वॉल्यूम आता तो जो गोल्ड है
वो वाटर की तुलना में 19.32 times हैवियर होता है, यही मतलब है इसका। ठीक है, कंक्लूजन क्लियर है दक्षिता? यस सर, यस सर। मैंने ऐड आउट किया? नो सर। हाँ ठीक। Please explain that how moon on an object on moon is 1/6 as compared to the on earth. Kya matlab hua? 1/6 times on moon. Yes, sir. Sab book mein diya. Jo ye gravitation ka jo topic tha. Yes, sir. Achha. Abhi explain kar de rahe hain bete. बस तुरंत कर रहे हैं। यहाँ से कुछ फॉर्मूले हम लोगों को मिल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी के अलग अलग, उनको ले लेते हैं क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अभी तो थ्योरेटिकल है नहीं सेक्शन आपने, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ कल प्रैक्टिकल का एक वीडियो मैंने शेयर किया था, how to find the volume of momentum. Have you seen that? Yes sir, yes sir. बेटे जो regular shaped body होते हैं उनका volume हम आसानी से निकाल लेते हैं ना scale से measure करके, लेकिन जो irregular shaped body होते हैं उनको हमें निकालने के लिए उसके volume को find out करना पड़ता है, एक बार initial case उसके बाद dip करने के बाद। ये बहुत सिंपल सा चीज था इसलिए मैंने कल भेजा। आज हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे वो भेजेंगे, और उसके बाद तीसरा जो भेजूंगा वो आपका रहेगा हार्मोनिक प्रिंसिपल से रिलेटेड, और जब आप स्कूल आने लगेंगे तो फिर स्कूल में किया जाएगा। अब देखिए, डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था वो क्लियर है सबको? Yes sir, that is relative density. One second. Yes sir. Relative density तो हो गई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद होगा, मैंने जब इस बारे में बताया था कि when we immerse any object fully or partially in a fluid, then an upward force or buoyant force acting on it, उस ऑब्जेक्ट पर एक बायंड फोर्स ऊपर की ओर काम करता है, और ये बायंड फोर्स कितना होगा? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी वाटर में पोर करते हैं, डुबाने की कोशिश करते हैं, तो जितना उसका वॉल्यूम होता है ना, जितना जब वो घेरता है उतने वाटर को वो डिस्प्लेस करता है। अगर उस डिस्प्लेस वाटर के वेट को हम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना बायंड फोर्स उसके ऊपर लग रहा था। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो देखिए, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर ये क्या कर रहा है? कल हम लोगों ने बायंड फोर्स के बारे में भी सीखा था। बायंड फोर्स कितना होगा? ऑब्जेक्ट का वेट एयर में निकाल लीजिए, ऑब्जेक्ट का वेट वाटर में। ऐसे सुनो, जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हमने एयर में हैंड करके निकाल लिया इसका वेट, ठीक, और मान लो इसका वेट है W1, और उसके बाद इसका वेट हमने निकाल लिया वाटर में डुबाने के बाद। वाटर में को किए हुए इमर्स, ये वाटर में डूबा है, तो इसका वेट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। मान लेते हैं W2। किस केस में वेट ज्यादा शो करेगा मशीन? फर्स्ट सर एयर में, सर एयर सर डब्ल्यू वन ज्यादा बताएगा और वाटर में कम बताएगा, क्योंकि कल मैंने एक चीज और बताया था, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाएगा, सही है ना? यस एयर डेंसिटी वाटर से कम है या ज्यादा है? सर कम।
एयर की डेंसिटी कम है ना बेटे, हम लोग को एयर में चलना फिरना आसान होता है कि वाटर में चलना फिरना आसान होता है? तो जिसमें चलना फिरना आपको आसान पड़ रहा है यानी उसकी डेंसिटी कम होगी। एर्थ में आपने एक चीज स्टडी किया था लाइट में, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। यस सर रेयरर और डेंसर मीडियम की एक बात हो रही है। एयर इज ए रेयरर मीडियम, वाटर इज ए डेंसर मीडियम। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी अधिक है। तो जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वो ज्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो इसका वेट ज्यादा बताएगा W1, और जब वाटर में उसे डुबाएंगे तो वेट कम बताएगा W2। ठीक। तो अब प्रश्न उठता है कि आपको ये बताइए कि तो बायंट फोर्स कितना हुआ? आपने ये तो कह दिया कि भाई बायंट फोर्स लग रहा है, एक अपथ्रस्ट लग रहा है वाटर में डुबाने पर, लेकिन कितना लग रहा है, कितना अपथ्रस्ट लग रहा है? तो वो पता कैसे चलेगा? अपथ्रस्ट यानी बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे उतना ही फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि एयर में जितना वेट था उतना वाटर में क्यों नहीं बताया? बायंट फोर्स के कारण ही ना, ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा उसी के कारण ना। तो जो लॉस इन वेट हुआ वो कितना होगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। एयर में जो वेट है उसमें से वाटर वाला वेट माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि इतना बायंट फोर्स लग रहा है। क्लियर है कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं सर, नो कंफ्यूजन सर। यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। क्लियर है ना बेटा कि भाई जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में इमर्स करते हैं तो वाटर उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट के वेट में कुछ लॉस की कमी शो करेगा ये पॉइंटर वेइंग मशीन ना। तो जब लॉस में वेट में लॉस फील होगा तो कितना लॉस होगा? क्योंकि जितना लॉस हो रहा है वेट में उतना ही तो बायंट फोर्स लग रहा है। तो अगर इस लॉस को हम निकाल लें माइनस करके एयर वाले में से वाटर वाले को, तो हमको पता चल जाएगा कि बायंट फोर्स कितना लग रहा है। तो हम यहाँ एक फार्मूला बना आर्कडिक प्रिंसिपल के थ्रू अगर हम काम करें, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन, यहां पे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द वाटर का मतलब, यहां हम लिख सकते हैं लॉस इन वेट, भाई जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उतना ही तो उस ऑब्जेक्ट पर उनके वेट में कमी आ रही थी, लॉस इन वेट। एक मिनट बतावा, देखिए यहां क्या लाइन लिख रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड व्हेन इमर्ज इन वाटर। बताओ, सुनिए, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर क्लियर है, अब पारा वेट ऑफ द वाटर। तो अब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ओर जाते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डुबाते हैं तो जब डुबाएंगे तो जितना उसका वॉल्यूम होगा, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना होगा ना, उतने ही वॉल्यूम वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा यानी जितना जगह घेर रहा होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर में डिस्प्लेस करेगा इधर उधर। वॉल्यूम सेम रहेगा ना, तो जितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ अगर उसका वेट हम निकाल ले तो उस डुबाए जाने वाले सब्सटेंस के वेट के बराबर ही आएगा।
इसकी वजह से कंफ्यूजन हो। सर वहां ऊपर आप लिखे हैं थ्रस्ट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। सर वाटर की वहां गति होती है ना, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, क्योंकि सर वाटर की डेंसिटी हाई होती है। एक मिनट, जैसे कोई वेइंग मशीन है, स्प्रिंग बैलेंसर मान लो हमारे पास, ठीक। अब इस स्प्रिंग बैलेंस से मैंने एयर में कोई ऑब्जेक्ट हैंग किया, उसका वेट निकाल दिया, नोट कर लो उसका वेट है W1, ठीक। और अब इसी ऑब्जेक्ट को सीधे इसी तरह हैंग किया, मैं एक सिलेंडर लिया हूं वाटर से भरा हुआ कोई पॉट, और उसमें इसको डुबाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट को उसमें डुबाएंगे तो वाटर इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर लगाएगा। तो अब जो अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है ऊपर की ओर, जिसे हम बायंग फोर्स कर रहे हैं, तो वो फोर्स इसके वेट में कमी लाएगा कि नहीं? क्योंकि वो ऊपर की ओर लग रहा है ना, नीचे की ओर लग रहा है, तो वेट में कुछ लॉस फील होगा, आएगा? यानी इस केस में वेट दूसरा आएगा ना, पहले वाले केस से अलग वेट आएगा ना। हेलो, हाँ सर, यस। आर्किमिडीज वाले प्रिंसिपल वाले प्रैक्टिकल में ये करके दिखाया हूँ बेटा, ये आप करके भी घर पे देख सकते हैं, बहुत नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। अरे भाई कुएं वाला एग्जांपल फिर से सोचो कि कुएं में से वाटर हमको ड्रॉ करना है, पुल आउट करना है, तो जब तक बकेट कुएं के वाटर में डूबा हुआ था तो वो हमको भारी नहीं लग रहा था। क्यों भारी नहीं लग रहा था? क्योंकि जो वाटर अपवर्ड फोर्स लगा रहा था, अपवर्ड फोर्स लगा रहा था ऐसे, तो ये वाला फोर्स इसको रोक रहा है, ठीक है। तुम लोग लग रहा, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग भूल जा रहे हो? अभी कल ही तो डूबने और तैरने की बात हुई थी बायंग फोर्स के आधार पर। यस यस, अगर ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा बायंग फोर्स होगा, एफ इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तैरेगा सरफेस। क्यों तैरा? क्योंकि जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स कम हो जाएगा, ये वाला डब्ल्यू में से माइनस ना होगा। यस सर, लग रहा है बातें क्लियर नहीं हो रही, पूरी पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी फिर से। क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट है, एक तरफ है, एक तरफ है, टू फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? सर F1। भाई दो लड़के हैं, एक F1 फोर्स लगा रहा है, एक F2 फोर्स लगा रहा है, और F1 वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा है F2 से, तो ऑब्जेक्ट F1 की ओर जाएगा? उसमें से कम वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है वाटर में डुबाया जा रहा है, इसका वेट W1 है, और इस पर जो थ्रस्ट लग रहा है F इज लेस देन W1। रुक जाओ,
F is greater here, भी आपको confusion ना हो. F is greater than W. Object डूब जाएगा कि तैरेगा? Sir, it float. Sir, it will float. It will float. Sir, it will float. अच्छा, इसका net net force क्या होगा इस object पर जरा बताइए. Sir, F minus W. Sir, F minus W. F minus W1. यही तो कर रहा हूँ भाई, यही तो मैं कर रहा हूँ. आपने कहा वाटर में हम जब इसे डुबाएंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा F minus W1. सर W1 क्या है? क्या बेटे? वेट. सर वेट है W1. हाँ वेट है W1, इस ऑब्जेक्ट का वेट है. यहाँ तक बात क्लियर चल रही है? यस सर. आप जरा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये जो नेट फोर्स आया ठीक, इसी के कारण जो भी कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट तैरेगा चाहे डूबेगा चाहे डूबी हुई अवस्था में फ्लोट करेगा, इसी नेट फोर्स पर ना डिपेंड करेगा. यस सर. अगर हमको इस बायंट फोर्स की वैल्यू निकालनी हो, इस बायंट फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि आगे वास्तव में जो वाटर है वो कितना अपवर्ड फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ये पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? तो भाई आप एक वेइंग मशीन लेंगे या स्प्रिंग बैलेंस लेंगे और उस स्प्रिंग बैलेंस से ऑब्जेक्ट का वेट आप पहले एयर में फाइंड आउट करेंगे ना, एयर में फाइंड आउट करेंगे. ये मान लेते हैं कि डब्ल्यू वन वेट है इस ऑब्जेक्ट का, सॉरी इसको डब्ल्यू टू का, क्योंकि यहां देखिए, चलो यार नाम में क्या रखा है, एयर में हमने फाइंड आउट किया डब्ल्यू वन इसका वेट. अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने वाटर में इमर्स किया, वाटर, तो स्प्रिंग बैलेंस से जब इसको मेजर करेंगे तो क्या स्प्रिंग बैलेंस उतनी ही रीडिंग दिखाएगा जितनी एयर में दिखाया था? नो सर. नो सर. नो सर. नो सर. क्यों? नो सर. क्योंकि सर जो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ड्यू टू द बायंट फोर्स. तो ये जो वेट में कमी आ रही बायंट फोर्स के कारण आई, ये सर पता करना है कि वास्तव में कितनी कमी आई, कितनी कमी आई. मान लो इस केस में हमको 5 केजी मिल रहा था, अरे सॉरी 5 न्यूटन वेट ठीक, वाटर में डुबाने पर हमको मिल गया 3 न्यूटन वेट. ये 2 न्यूटन कितने का डिफरेंस आ गया? सर 2 न्यूटन. 2 न्यूटन यानी सर 2 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा होगा. यस सर. यस सर. पता ये कैसे लगा? पता तब चला जब आपने W1 माइनस W2 किया तब आपको मिला 5 माइनस 3 2 न्यूटन, तब तो पता चला जब आपने डिफरेंस निकाला एयर वाले वेट और वाटर वाले वेट का. यस सर. सही है ये चीज. यानी यस सर. यानी कि हमको अगर ऑब्जेक्ट का वेट ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बायंट फोर्स पता करना है तो उसके दो तरीके. अब सुनिए कौन कौन से दो तरीके. पहला तरीका ये है कि आप एक बार एयर में ऑब्जेक्ट का वेट निकालिए
और एक बार लिक्विड में एयर का वेट निकालिए अरे ऑब्जेक्ट का, और फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। जितना डिफरेंस आएगा मतलब उतना बाहर फोर्स लिक्विड पर लग रहा था। ये होगा फर्स्ट वे, ठीक क्लियर है पहला तरीका। Yes, yes, sir. दूसरा तरीका भी सीख लो, दूसरा तरीका जो कि प्रैक्टिकल में हम लोग करके देखेंगे। एक होता है आर्कमिडीज पॉड, उसको नाम ही दे दिया गया आर्कमिडीज पॉड, और भी एक नाम से जाना जाता है, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मैं बता दूंगा, ठीक है। आर्मिडा करते हैं क्या, आर्कमिडीज पॉड का भी याद रखें। पॉड कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, सॉरी यूरेका पॉड, इसको यूरेका पॉड भी कहते हैं। यूरेका नाम पढ़ने के पीछे मीनिंग होता है। एक स्टोरी अगर आप वीडियो देखे होंगे आर्कमिडीज वाला, तो मैंने उसमें एक स्टोरी सुनाया है आर्कमिडीज की, कि क्या हुआ था एक्चुअल में। हाँ, तो इसको यूरेका पॉड कहते हैं। अब जरा देखो, एक तरीका तो हुआ कि ऑब्जेक्ट का वेट आप एयर में निकाल लो, और फिर ऑब्जेक्ट का वेट उसको वाटर में पोर करके या डुबा के निकाल लो, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हुआ कि मान लीजिए इस यूरेका पॉट में, इस यूरेका पॉट में मैंने वाटर फिलअप किया, और यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्स करना चाहते हो, डुबाना चाहते हो, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ना, कुछ जगह तो घेर रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, कुछ इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा जब वाटर में इसको डुबाएंगे, तो ये इतना वॉल्यूम तो इसके अंदर घर करेगा, बनाएगा। तो जितना वॉल्यूम ये कवर करेगा उतने स्थान का वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? नो सर, नो सर। यानी इस वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा जब ये लिक्विड में इमर्स किया जाएगा, तो इसके वॉल्यूम के बराबर का वाटर डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस होगा तो कहीं जगह तो है नहीं, डिस्प्लेस होगा मतलब ऊपर की ओर उठेगा वाटर, ऊपर उठेगा तो इसमें से होगा वाटर इधर ड्रॉप डाउन होगा इस बीकर में। अब इस बीकर में कुछ वाटर कलेक्ट हो गया, कितना वाटर कलेक्ट होगा, जितना कलेक्ट हो गया जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना वाटर डिस्प्लेस होगा। अब अगर इस वाटर का वेट हम निकाल लें बीकर को छोड़कर, बीकर का भी वेट मत निकाल, या बीकर का वेट पहले खाली बीकर का वेट निकाल लीजिए और उसके बाद वाटर से भरा हुआ बीकर का वेट निकाल लीजिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वेट कितना है। बात को फिर से सुनो, जब इसको वाटर में इमर्स किया गया तो इसके वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस होकर ये वाटर आ गया इस बीकर में। अब इस वाटर का अगर हम वेट निकाल लें तो वो जो वाटर का वेट होगा वो उतना ही होगा जितना इस ऑब्जेक्ट पर ये वाटर बायंड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। बायंड फोर्स निकालने के एक तरीका मैंने बताया, एयर में वेट निकाल के और वाटर में वेट निकाल के डिफरेंस निकाल लीजिए। दूसरा तरीका कि जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट को डुबाने से, अगर उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट हम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना बायंड फोर्स लग रहा था या लॉस इन वेट कितना पता चल जाएगा, ठीक। एक और बात याद आ रही थी, हाँ एक फार्मूला भी है बायंड फोर्स का जो हम लोग ने उस दिन सीखा था, वी रो जी।
ये बात लगा दिया अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है तो अब तीन तरीके हो गए बाय एंड फोर्स निकालने के, एक एयर वाला एयर माइनस वाटर वेट, दूसरा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और तीसरा एच इज इक्वल टू बी इंटू रो इंटू जी। क्लियर है? और बाय एंड फोर्स की यूनिट क्या होगी? यस सर। बाय एंड फोर्स की यूनिट क्या होगी? BPG क्या लिखे हैं? बाय एंड फोर्स की यूनिट क्या होगी? यूनिट सर न्यूटन होगी ना। अरे कोई भी फोर्स हो सबकी यूनिट तो न्यूटन ही ना होगी। यस सर। नाम के आगे कुछ भी नहीं आ गया, इससे आगे फोर्स आ गया मतलब न्यूटन। ये वाइवा का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नाम दे दिया जाएगा कि जो है क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की यूनिट क्या होगी। अरे कुछ भी हो आगे फोर्स लग गया ना, जैसे ही फोर्स लग गया उसकी यूनिट हो गई न्यूटन। क्लियर है? यस सर। सुनो सुनो, रिलेटिव डेंसिटी का एक और फार्मूला हमें मिला, आईडी इज इक्वल टू, सभी फार्मूले मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, डेंसिटी वाला फार्मूला मिल गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इक्वल वाला रहेगा हर केस में, जब भी लेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए सब्सटेंस भी उतना ही मालूम था और नीचे वाटर भी, नीचे तो वाटर का ही मालूम रहेगा हमेशा क्योंकि वाटर से ही कंपेयर कर रहे हैं तभी रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इसमें हम इक्वल वॉल्यूम नहीं लिख रहे हैं, यदि एक दो बढ़िया मैं तो करके पूछ देता हूँ। ये हुआ एक फॉर्मूला, दूसरा हो गया सेम सब चीज, अब बस मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपन मास ऑफ वाटर अब इक्वल वॉल्यूम आईडी इज इक्वल टू वेट अपन वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन वेट ऑफ वाटर। ये सब कहीं नोट कर लेना, अगर बुक में नहीं दिया उस साल में तो नोट कर लेना। फिर आईडी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपको मिला, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन, हाँ कल किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप करके रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये पूछा था उन्होंने, तो इसीलिए मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला वीडियो शेयर कर दिया था बेटे, उसी में रिकॉइल वेलोसिटी निकालते कैसे सिखाया है हमने और फार्मूला भी तरीके से बताया है, और रिकॉइल वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बी अलर्ट पर एक क्वेश्चन था बस ये लिखो, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड या लॉस इन वेट, लॉस इन वेट, तो ये हो जाएगा W, मान लीजिए एयर में W1 और W1 माइनस W2। ये देखिए आरडी रिलेटिव डेंसिटी का एक ये भी फार्मूला है, एक उमेरिका मेरा कर लो फिर आपका सुनता हूं, लिखिए तो सभी लोग लिखिए, ए सॉलिड वे, ए सॉलिड वे 80 ग्राम इन एयर, ए सॉलिड वेव, हाँ वेव प्लूरल है इसलिए वेव बोल रहे हैं, वेट ए सॉलिड वेट 80 ग्राम इन एयर कॉमा 64 ग्राम इन वाटर, 64 ग्राम इन वाटर। रिपीट, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी, नहीं फिर से सुनो, एयर में वेट है 80 ग्राम और वाटर में वेट है 64 ग्राम, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। सर 16 होगा ना,
रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। रिपीट करिए, सुनिए मैं समझा दे रहा हूँ। एयर में एक ऑब्जेक्ट का वेट 80 ग्राम है, ठीक है, और जब उसे वाटर में वेट किया गया तो वो 64 ग्राम है। तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट कीजिए। कितनी आ रही है? कितनी आ रही है सर? 1.25 सर। 1. और कोई बताओ सर? 1.35 सर। वाटर में कितनी ग्राम थी? वेट का क्वेश्चन ही सर नहीं आ रहा है समझ। 64 ग्राम सर। 1.25 सर। और 50 नहीं, यहाँ गलती हो रही है बेटे। वेट में लॉस किसके कारण फील हो रहा है? फोर्स के कारण। यानी आरडी जो वाला प्रिंसिपल फॉर्मूला लगेगा ना रिलेटिव डेंसिटी का, 1.25 सर। एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन दिया रहता कि एक ऑब्जेक्ट का वेट इतना ग्राम है और उतने ही वॉल्यूम वाटर का वेट इतना ग्राम है, तब हम वो फार्मूला यूज करते, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेट ऑफ द वाटर, तब वो फार्मूला यूज होता। यहाँ तो उसने एक ही ऑब्जेक्ट का वेट ना दे दिया। बात को समझो। आप लोग अब कहेंगे कि सर आपने ऊपर एक फार्मूला लगवाया है वेट वाला, तो वहां क्या लिखा था फार्मूले में? वहां लिखा था वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी वॉल्यूम या इक्वल वॉल्यूम, ठीक, अपॉन वेट ऑफ वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। यानी दो अलग अलग चीजों का वेट दिया था, तब हम उस फार्मूले को यूज करते W1 / W2, जिस तरह से अभी आप लोगों ने किया। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एक ही ऑब्जेक्ट का वेट ना दिया है, सॉलिड का ही वेट एयर में दिया है, सॉलिड का ही वेट वाटर में दिया है। तो यहाँ वो फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे आपकी वाला फॉर्मूला लगेगा। और 80 - 64 यानी 16। क्लियर है? यस सर। आंसर 5 ऐसे ही है। हाँ, आंसर 5 इज राइट। अभी देखो कैसे आया। W1 ग्राम एयर वाला अपन एयर वाले में से माइनस कर दे वाटर वाला 64, तभी ना हमको लॉस इन रेट पता चलेगा कितना लॉस हुआ। 5 में कोई डिफरेंस नहीं ना होगा। हाँ, ये वाटर एयर में वो 5 गुना ज्यादा इससे हैवियर था जब वाटर में डुबाया गया। तो ये वाला क्वेश्चन अब कर लोगे आप लोग? एक लाइन में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस सैंडविच। आप लिख लेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। अब एक न्यूमेरिकल कोई कह रहा था, जल्दी जल्दी बताओ तो उसका लॉस इन वेट वाला बता दे जल्दी। यस सर। सर मैं बोल रही थी सर, ड्यूरिंग एन During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes.
What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 × 10⁸ meter per second. Sir, explain this. बेटा देखो ये अरे बहुत सिंपल वाले फार्मूले पे है. देखिए स्पीड दे दिया उसने, टाइम भी दे दिया है, बस डिस्टेंस पूछ रहा है. तो हमको तो फार्मूला पता है ना, क्या होगा फार्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यस सर, डिस्टेंस सर उसको सॉल्व करिए क्या बेटा, सॉल्व करिए. पता नहीं क्यों चेंजेस आ रही है उसमें, कुछ इसलिए पूछे हम. सर थ्री स्पीड दिया है, थ्री इनपुट मैंने बताया था, सुनिए आप सबको बताया था, पावर सही होनी चाहिए. ऑर्डर अगर आपका सही है, चलिए हम आपका कैलकुलेट कर देते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है 3 × 10⁸. याद कर लीजिए ये लाइट की स्पीड है मीटर पर सेकंड. ये याद होना चाहिए फिजिक्स के स्टूडेंट को, कभी भी पूछा जा सकता है. टाइम है 5 मिनट, यानी 5 × 60 सेकेंड में बदलना पड़ेगा एसआई यूनिट में. ठीक है, इसीलिए वैल्यू डिफरेंट है 300 सेकेंड. टाइम मिनट में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो जो अरे वेलोसिटी एसआई यूनिट में है, ये एसआई यूनिट में नहीं था, तो इसे एसआई यूनिट में बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटा. यस सर, हम ये बोल रहे थे आंसर में आ रहा है पावर 10 बट है आंसर 9. यही कुछ चेंजेस हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं. 3 × 10⁸ × 300 यानी हो गया 900 × 10⁸. सही है यहाँ तक? यस सर. यस ओ, अब ये कहाँ पॉइंट छिपा है? इस जीरो के बाद, इस जीरो के बाद पॉइंट छिपा हुआ है ना, 10⁻¹⁰. पॉइंट हम कर सकते हैं 9.00, टू डिजिट लेफ्ट लाइन, यानी पावर में 2 ऐड हो जाएगा. 8 + 2 9 × 10⁻¹⁰ मीटर. यही आंसर आ रहा है कि कुछ और? सर बट आंसर आ रहा है 10⁻¹⁰, यही तो है प्रॉब्लम. और आगे कुछ दिया है आगे? वो सही है सर, 9 × 10⁻¹⁰ आ रहा है. तो आंसर गलत है, जो आंसर दिया है दैट इज रॉन्ग, दिस इज राइट. ठीक है, यहाँ किसी? हाँ सर, मेरा भी यही है. हाँ एक कंफ्यूजन है, रुक जाओ, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है. 300 × 3 900 ही होगा, दो ही जीरो मिलेगा, बिल्कुल इट इज राइट. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए. ओके सर, थैंक यू. नो सर, वो उत्तर गलत मिसप्रिंट है, दिस इज द राइट. हां 11 कब होता? जब हम इसको भी 0.9 कर देते तब तब 11 हो जाएगा. अच्छा ओके सर, ठीक. चलिए एक क्वेश्चन वाला जल्दी से निपट करते हैं. वैसे तो एक न्यूमेरिकल यहाँ हुआ है ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए. बता दूं क्या पहले, वो वाला तो रिवीजन में समझाएंगे. चलो एक एक ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन है. देखो आप लोग के एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्या बेटे? सर करें यूनिट सेकंड में से चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आएंगे. चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही आएगा, जो मोशन है और फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, ग्रेविटेशन अभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में. और इसी का क्लास में और भी ढूंढ ढूंढ के और थ्योरी सारी चीजें हम लोग रिवाइज करेंगे जो भी नेक्स्ट टर्म आएगा. यस सर, ग्रेविटेशन दो सर टर्म सेकंड आएगा, टर्म फर्स्ट. टर्म फर्स्ट आज तो तमोजित सर बोले हमें यूनिट 2 होगा शायद. यस सर, सितंबर में. यस सर, वो अक्टूबर नवंबर में फर्स्ट. नहीं तो इन दोनों चैप्टर की तैयारी आप लोग कीजिए.
इन दोनों चैप्टर की प्रिपरेशन कीजिए। क्वेश्चन सुनिए, द वॉल्यूम ऑफ नहीं ये भाई हाँ द वॉल्यूम ऑफ 500 सील पैकेट 500 ग्राम सील पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है, लिखिए जरा शॉर्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्ट का मास दिया है 500 ग्राम, वॉल्यूम कैपिटल वी दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। सर बताना है, अच्छा वाटर की डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट कर दीजिए जो उन्होंने नोट करेगा कि सीन इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल के बताइए। सर नंबर क्या बोले हैं सर? प्लीज बोलिए बता। मास है 500 ग्राम, वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब और वाटर का वॉल्यूम है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ जितनी रीडिंग दी हुई है सब सीजीएस यूनिट है, देख रहे हैं, मतलब सबकी यूनिट सीजीएस यूनिट है। मैंने 3 तरह की यूनिट बताया था ना, एसआई, 4 तरह की एसआई, एमकेएसए, एफपीएस, सीजीएस, 4 तरह की। तो जब सबकी यूनिट सीजीएस यूनिट है तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्या रहते हैं सर? 350 ग्राम आंसर। ये डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी है ये। तो पहले आप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालिए, ऑब्जेक्ट डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, 1.42 चलिए जो भी 1 point something आ रहा ना, केजी पर मीटर क्यूब नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या डेंसिटी है? एक बात बताओ आप लोग, इसकी डेंसिटी इसकी वाटर की डेंसिटी से अधिक है कि कम? सर ज्यादा है सर, ज्यादा है की डेंसिटी 1 है और इसकी 1.4 है। हेलो यस समय हो गया है, आप लोग जाना चाह रहे हैं अगली क्लास में, जरा सा जवाब दे दीजिए। इसकी डेंसिटी 1.4 है और वाटर की 1 है, तो रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकालते थे? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1.4 माइनस 1 माइनस सर इज इक्वल टू 0.4, तो ग्रेटर देन 1 आएगा वैल्यू। जब भी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होता है मतलब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा ना। यस क्वेश्चन नियर है मेरे क्या बेटा? क्वेश्चन का कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है सर, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। हम नहीं समझ पा रहा, तेज बोलो थोड़ा सर। क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हुआ सर, इसको एक बार और एक्सप्लेन करिए सर। सुनिए क्वेश्चन को लिखिए आप लोग, नहीं आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना? यस सर, यस सर, लास्ट क्वेश्चन करिए ना। क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है, दे रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है, मास जो है 500 ग्राम, ठीक, और उसका वॉल्यूम भी दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी दे दिया गया है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को वाटर में रख रहा है तो पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा। पता कैसे चलेगा? हमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तब वो डूब जाएगा,
तो हम इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल दिए मास अपॉन वॉल्यूम करके, आंसर आया लगभग 1.4। तो इसकी डेंसिटी 1.4 है और वाटर की डेंसिटी केवल 1 है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा ना हो गई? Yes, तो जब इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब समय बहुत हो गया है, कई लोग का माइंड अब दूसरे सब्जेक्ट भी जा रहा है, इसको फिर से जो है डिस्कस कर लेंगे एक दो क्वेश्चन, फिर रिवीजन ही चलेगा। तो आज के लिए इतना ही दे देते हैं, ठीक है बेटे? सर इसका नेट फोर्स 1.4 to 1.4 minus। हाँ हाँ मान रहे। दिस रीडिंग इज नॉट राइट रीडिंग, ये सही सर वाटर की, लेकिन 1 से ज्यादा आएगी रीडिंग, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो मैंने एक रैंडम नंबर लिख दिया, आप सही सही कैलकुलेट कर लीजिएगा समझाने के लिए, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू। Thank you, bye sir. Hello sir. Excuse me, sir.